हेलो एवरीवन, हम लोग जो है आज से ऑनलाइन क्लास शुरू हो रहा है और कोरोना के कारण जो है हम लोग का क्लास रुक गया था, लेकिन आज से पुनः हम लोग आपसे जुड़ेंगे। आज जो है जो पढ़ाएंगे हम ऑनलाइन में, उसका जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। पहला दिन का क्लास है तो इसमें जो है मैथ्स, रीजनिंग और एडवांस मैथ, ये तीनों रहेगा। यानी आपको अरिथमेटिक रहेगा, एडवांस मैथ रहेगा और रीजनिंग भी रहेगा। सोमवार और मंगलवार को जो है अरिथमेटिक का क्लास होगा। बुधवार और बृहस्पतिवार को जो है एडवांस मैथ का क्लास होगा और शुक्रवार और शनिवार को आपको रीजनिंग का क्लास होगा। आज जो है शुक्रवार का दिन है, इसलिए आपको आज रीजनिंग में हम जो है आज बताने जा रहे हैं। अभी हम लोग जानेंगे रीजनिंग का जो चैप्टर है उसमें जानेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आकृतियों को गिनना। ध्यान दीजिएगा कि जो है आकृतियों को गिनने के लिए परीक्षा में प्रश्न आते रहते हैं और बहुत ही एक क्वेश्चन तो निश्चित आता है, लेकिन आपको समझना है कि इसका जवाब देने में आपको बहुत कम समय लगता है और बहुत आसानी से बनता है, लेकिन लोग जो है इसको बहुत जटिलता पूर्वक और बहुत कठिनाई से हल करते हैं। फिर भी हम लोग सीखेंगे कि हम लोग आसानी से कैसे हम लोग हल कर सकते हैं। तो आप लोग को सूचना तो पहले से था या नहीं था, लेकिन आप लोग जो है अपने दोस्तों को यह बता दें कि जॉनसन सर के द्वारा लाइव क्लास शुरू हो रहा है। अभी तो हम लोग जो है कुछ दिनों तक वीडियो अपलोड करेंगे, उसके बाद जब हम लोग का सिस्टम डेवलप हो जाएगा तो फिर हम आप लोग के समक्ष में लाइव रूप से प्रस्तुत होंगे, है ना। अभी दो चार दिन तक जो है आपको वीडियो मेरा जाएगा, तो आप लोग जो है लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, है ना। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स में। जैसे आपको काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स आता है, काउंटिंग ऑफ लाइंस आता है, काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स आता है, काउंटिंग ऑफ जो है पैरेललोग्राम आता है, तो ये सारा चीज़ आता है। काउंटिंग ऑफ सर्किल भी आता है, तो ये सारा चीज़ आता है, लेकिन आज जो हम लोग विचार करेंगे काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुजों को गिनना। तो हम कैसे त्रिभुज को गिनेंगे उस पर ध्यान देंगे। अभी एक चित्र है आपको यहाँ पर देखिएगा, इस तरह का त्रिभुज बना हुआ है, इसके बीच में एक जो है वर्टिकल लाइन है, ऊपर से नीचे जो लाइन खींची जाती है उसको वर्टिकल लाइन कहते हैं, जो दाएं से बाएं खींचते हैं वह पृथ्वी तल के समानांतर जो लाइन होता है वह क्षैतिज लाइन होता है। ऊपर से नीचे जो खींचते हैं वह वर्टिकल लाइन होती है, लेकिन आपको पृथ्वी तल के समानांतर जो खींचते हैं वह हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। आप ध्यान देंगे यहाँ से कि जो है इसमें जो है एक त्रिभुज बनाया गया है, वर्टिकल लाइन इसमें खींच दिया गया है, जिससे इसका आधार पर दो खंड बन गया। आधार पर कई खंड बन गया, दो खंड। अब त्रिभुज गिनने के अनेकों तरीके हैं, लेकिन एक सिंपल तरीका समझिए कि इसमें जो खंड बने हैं आधार पर उस पर नंबरिंग डाल दीजिए। एक खंड यहाँ पर हुआ, ये हमारा दूसरा खंड हुआ, ये दो खंड बन गया, है ना। और ये दोनों खंडों के क्रमांक को जोड़ देना, इसका क्रमांक एक है, इसका क्रमांक दो है ना। तो दो और एक जोड़ने पर, एक प्लस दो जोड़ने पर आपका कितना बनता है, तीन। तो इसमें तीन त्रिभुज होगा। आप गिन करके भी निकाल सकते हैं कि तीन वो कैसे होता है। आप ध्यान दीजिएगा, एक इधर वाला, एक इसके बाद वाला, और जो है एक समूचा, एक पूरा त्रिभुज। तो ये तीन त्रिभुज है इसमें, लेकिन आपको जो है प्रक्रिया अपनाना है कि यदि इस तरह से वर्टिकल लाइन किसी त्रिभुज में खींचा गया है तो जो भी खंड बनेगा, है ना, आधार पर जो भी खंड बनेगा उस खंडों को क्रमित करना है, उस खंड में क्रम डालना है, 1 2 3 काउंटिंग डालना है, अब उन काउंटिंग को फिर जोड़ देना है। जोड़ देने से आपको त्रिभुज की संख्या क्या होगी, प्राप्त हो जाएगी। आपको इस तरह का बहुत सारा आ सकता है। आप देखिएगा कि इस तरह का त्रिभुज है और इस त्रिभुज में मान लीजिए कि आपको इस तरह का खंड बन रहा है। आप देखिएगा इसमें हम लोग क्रम डालते हैं, है ना। जैसे ये एक है,
ये दो है, ये तीन है, ये चार है, आपको चार तक जोड़ देना है, यानी चार फिर सात तक नौ और एक दस, इसमें कितने त्रिभुज हैं? दस त्रिभुज हैं। इस तरह का आपको समझ में आना चाहिए, बहुत ही सिंपल तरीका से इसका बन जाता है, चार फिर सात दो नौ और एक दस, यानी आधार पर जितने खंड बने हैं उन खंडों को क्रमित करना, क्रम बना लीजिएगा और क्रम बनाने के बाद में सभी क्रम को जोड़ देना है, जिससे हमको त्रिभुज की संख्या क्या होती है, प्राप्त होती है। आप सबको विश्वास है हमको कि इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि आधार पर जो है खंडों को क्रम लिखना है, क्रमित करना, नंबरिंग डालना, 1 2 3 4, और उसके बाद उन नंबर्स को क्या करना, जोड़ देना। इतना यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से त्रिभुज की संख्या आप गिनने में सफल हो जाएंगे, कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा। थोड़ा सा आप पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, मेहनत करना शुरू कर दीजिएगा, तो समझ जाइए कि मैथ रीजनिंग एडवांस मैथ सारा का सारा आपको पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। केवल मन से आप चाहिए, इच्छा रखिए कि हमको पढ़ना है, अच्छा ढंग से पढ़ना है, तो कहीं आपको समस्या होने वाला नहीं है। नौकरी में तो हर साल वैकेंसी आती रहती है ना, लेकिन लोग जो होते हैं आधा अधूरा तैयारी करते हैं, मैथ पढ़ते हैं तो रीजनिंग नहीं, रीजनिंग पढ़ते हैं तो एडवांस मैथ नहीं, एडवांस मैथ पढ़ते हैं तो जीके नहीं, जीके पढ़ते हैं तो इंग्लिश नहीं, तो ऐसे दशा में उनका जो होता है आपको बहुत कुछ मतलब कि अधूरा रह जाता है। लेकिन आप समझिए कि हम जब क्लास चलाएंगे पूरी तरीके से आपको सारा पढ़ाई आपको उपलब्ध होगा, कंपटीशन में जितने भी मतलब फैकल्टीज हैं सारे फैकल्टीज हमारे पास उपलब्ध हैं, आपको सारे पढ़ाई आपको कम्प्लीटली उपलब्ध होगा, जीके का भी क्लास चलेगा ऑनलाइन, इंग्लिश का भी ऑनलाइन क्लास चलेगा, सारा का सारा क्लास आपको चलेगा। लेकिन अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, है ना। देखिएगा इस प्रश्न को आप बढ़िया से आप समझे होंगे तो इस समझ गए होंगे कि इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, पहले इसके आधार पर जो है खंडों को नंबरिंग करना है और नंबरिंग करने के बाद में उस नंबर्स को जोड़ देना है, उससे आपको त्रिभुज की संख्या प्राप्त हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें भी आधार पर नंबरिंग कर दीजिएगा, वन हो जाएगा, टू हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, इसको जोड़ देना है, तीन और दो पांच और एक छ, आप छ तीन और दो पांच और एक छ, आंसर सी, तो सी वाला में जवाब आपका है, आंसर आपका निकल गया। इसमें कितने त्रिभुज हैं, आसान तरीका से आपने क्या किया, जोड़ लिया। और ध्यान देंगे यहाँ से जो है अब इस तरह का प्रश्न आया तो इसमें भी हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है और ये फोर है, चार तीन सात दो नौ और एक दस, इसमें कितने त्रिभुज हैं, दस त्रिभुज हैं, सारा का सारा आपको बनते जाएगा। थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है कि कैसे हल होता है, एकदम आसानी से हल होता है, उसको समझते रहना। अभी और ध्यान देंगे, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, देखिएगा आपको इस तरह का है और इसमें आप नंबरिंग करिएगा, ध्यान से समझिए, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, आप नंबरिंग किए, इस नंबर्स को जोड़ दीजिए, चार पाँच नौ, नौ तीन बारह, बारह दो चौदह, चौदह एक पंद्रह, आपको इसमें 15 त्रिभुज हो जाएगा, ऑप्शन सी में मिल रहा है जवाब आपका, 15 कंप्लीट हो गया। आप और देखिएगा ध्यान से जो है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ भी आप नंबरिंग कर लीजिएगा थोड़ा सा, है आप इस प्रश्न में नंबरिंग कीजिए, ये वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स सबको जोड़ दीजिए, है ना, छः पाँच ग्यारह, चार पंद्रह, तीन अठारह और तीन इक्कीस, टोटल 21 हो जाएगा, 21 आ जाएगा जोड़ करके, जो कि आंसर बी में उपलब्ध है, आपको आसानी से बी में आंसर प्राप्त हो गया। और ध्यान देंगे यहाँ से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरह का है, अब जरा समझिएगा, यहाँ पर डबल आधार हो गया है, ये बेस जो है आपको एक बेस यहाँ बन रहा है और एक बेस यहाँ बन रहा है, यानी दो क्षैतिज लाइन है जिसको बेस के रूप में हम लोग मान सकते हैं, है ना, एक जो है बेस यहाँ पर बन रहा है और एक बेस यहाँ पर बन रहा है, इस बेस पर भी नंबरिंग करेंगे और इस बेस इस आधार पर भी नंबरिंग करेंगे, इस आधार पर भी नंबरिंग करेंगे और इस आधार पर भी नंबरिंग करेंगे, और जितने नंबरिंग करने के बाद में आएंगे सभी नंबर को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, हमारा त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, प्राप्त हो जाएगी। इसमें नंबरिंग कीजिए, एक दो तीन चार पाँच छ, इसमें भी नंबरिंग कीजिएगा, लेकिन सात से नहीं, सात आठ में कंटिन्यू नंबरिंग नहीं होगा, ये आधार समाप्त हो गया,
फिर इस पर अब जो नंबरिंग होगा ये दूसरा आधार है, फिर एक से आरंभ होगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक आ जाएगा, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच और फिर छह। यानी कि इस परिस्थिति में, यानी आप जरा देख रहे हैं, इसमें भी नंबरिंग छह तक गया और इसमें भी नंबरिंग छह ही तक गया। तो जितना इस आधार पर संख्याओं का योग होगा, ऊपर वाले आधार पर भी संख्याओं का योग उतना ही होगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। आप समझिएगा, एक और दो तीन, और तीन छः चार दस, पाँच पंद्रह, पंद्रह छः इक्कीस। यदि इस आधार पर इक्कीस आया है तो इस आधार पर भी इक्कीस आएगा, और इक्कीस इक्कीस जोड़ के दोनों इक्कीस जोड़ेंगे, इक्कीस प्लस इक्कीस बराबर 42। तो ये 42 आपका जवाब मिल जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बन गया। यानी कि आपको नंबरिंग करना है, जितने भी आधार रहेंगे सभी आधार पर आपको नंबरिंग करना है, लेकिन हर आधार पर नंबरिंग एक से स्टार्ट करना है, एक से लेके छ तक, फिर एक से लेके छ तक। आपको पहला आधार पर यदि आपको 21 मिला तो दूसरे आधार पर भी 21 आ जाएगा। आपको यदि पूरा में नंबरिंग रहेगा तो आपको जितना इस पर आएगा उतना ही जो है योगफल, जितना योगफल फर्स्ट आधार पर है उतना ही योगफल सेकेंड आधार पर आएगा, और दोनों को जोड़ देंगे हमारा 42 रिजल्ट आ जाएगा। ये बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बन जाता है, बेहद आसान चीज़ है, कहीं कोई दिक्कत होने वाला आपको नहीं है, बहुत ही सिंपल और आसान चीज़ से आपको बन जाता है। आप ध्यान देंगे जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर, ये प्रश्न है। अब बताइए कि यहाँ भी प्रश्न है तो इसमें भी आधार पर आप नंबरिंग करिएगा। जरा सा देखिए आपको इस प्रश्न को, है ना, आप यहाँ पर करते हैं तो 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है। आप इसमें भी नंबरिंग कीजिएगा, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है। ये 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है। तीन बार नंबरिंग करने की आवश्यकता नहीं, जब पूरा में ये नंबरिंग करते हैं, एक बार छो आया तो दूसरे लाइन पर भी छो ही आएगा, तीसरे लाइन पर भी छो ही तक नंबर आएगा। आपको सारे नंबर्स को क्या करना, जोड़ देना, ध्यान से समझिए। अब जैसे इसको 6 तक जोड़ रहे हैं, 21 आएगा, 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21। जब इस लाइन का 21 आएगा तो इसका भी 21 आएगा, और इसका भी जो फल 21 आएगा, 3 21 यानी 21 गुना 3, जवाब आपको 63 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में मिल रहा है। धड़ल्ले से आप जवाब दे सकते हैं। देखिए ऐसे प्रश्नों को बनाने में बहुत गिनने में तो पार नहीं लगता, यदि आप गिनना शुरू करिएगा तो बहुत समस्या होगी और बहुत परेशानी हो जाएगा। ये मेथड आप जान रहे हैं तो बहुत ही आसानी से आप काउंट कर रहे हैं। ये सारे चीज जो है वो अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, जो फंडामेंटल है, आपको जो गिनने का आधार है, बेसिक आधार, उसको आप सीख रहे हैं। इस पर बहुत तरह का प्रश्न आता है, लेकिन अभी शुरुआती है, आप थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चीज सीख रहे हैं, लेकिन इस पर बहुत आगे भी जो है, यदि इस तरह से गिनना सीखेंगे तो आगे बहुत बड़ा बड़ा भी गिन ले सकते हैं आप अपने अनुभव से। चलिए ध्यान दीजिए कि यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ जाएगा। अभी इस तरह का मामला, 1 2 3 4 5 6 ही तक नंबरिंग है ना, तो फिर 21 आ जाएगा, इसमें भी 21 आ जाएगा, इसे आप काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, आपको इसमें भी 21। तो एक आधार, इसमें भी 21, इसमें भी 21, इसमें भी 21, 1 2 3 4, चार बार आएगा, 21 × 4 कर दीजिएगा, 21 × 84 आपका जवाब हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आपको फिनिश हो गया, बहुत ही आसानी से आपने क्या किया, गिन लिया। ऐसे अनेकों प्रश्न होते हैं जो कि गिनने के लिए आते रहते हैं। अभी आप देखिएगा इस तरह का है तो यहाँ भी ये उसी तरह से आपको बन जाएगा। अभी सबसे पहले इसको नंबरिंग करना आधार पर, 1 2 3 4 एंड 5, 5 4 9 3 12 2 14 1 15। एक आधार पर 15 आया, और ऐसा कितना आधार है, ये 1 2 3, तो 15 3 45। एक आधार पर जोड़ के 15 है, तो आपको जो है एक आधार पर 15, तो दूसरे आधार पर भी 15 और तीसरे आधार पर भी 15, 1 2 3 वो आधार बनेगा, 3 बेस है, 3 क्षैतिज लाइन है, तो आपको एक आधार पर 15 हुआ, तो तीनों मिला करके 15 3 45, ये 15 × 3 = 45, 45 होगा, ऑप्शन ए में आपको टैली कर रहा है। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम लोग बना सकते हैं। और ध्यान देंगे यहाँ से जो है, अभी नेक्स्ट आपको इसमें देखिएगा, काउंट कर रहे हैं हम जो है, ये 1 है 2 है 3 है, कितना है 4 है, 4 तक जोड़ना है आपको, 4 3 7 2 9 1 10। एक आधार पर जो फल 10 आया, तो इस दूसरे आधार पर भी 10 आएगा,
अब तीसरे आधार पर भी 10 आएगा, तीन आधार है तो 10 × 3 = 30, आपको 30 निकल जाएगा, है ना, 30 जवाब हो जाएगा, है ना, 10 × 3 करेंगे तो 10 × 3 = 30 आपको जवाब आ जाएगा, ऑप्शन बी में उपलब्ध है, ऑप्शन बी आपका निकल जाएगा, है ना। ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में भी उसी तरह का है, आप स्वयं जवाब दे सकते हैं, हर कोई गिन सकते हैं, कोई भी व्यक्ति इसको गिन सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है ना, ये चीज है आपको समझ लेना, ये भी समझ लेना है कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत होगी या समझने में दिक्कत होगी, आपको दिक्कत एक ही चीज का होगा, मोबाइल के डाटा का, और कोई चीज का दिक्कत नहीं होगा। आपके यहाँ मोबाइल का डाटा है तो क्लास में रहिए, घर के पढ़िए या घर में रह के पढ़िए, बात बराबर है, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। जैसे हम सबके साथ क्लास में पढ़ाते थे वैसे ही जो है ऑनलाइन भी हम आपके साथ में जुड़े हुए हैं, आपको सारी जानकारी उसी तरह से मिलती रहेगी, है ना। जिस प्रकार से हमसे बहुत से लोग लाभ उठाए और नौकरी में गए, आप सब भी जा सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। थोड़ा सा आपको संजीदगी के साथ में काम करना होगा, कहीं कोई हवाबाजी में नहीं रहना है। अभी ये 1 है, 2 है, और क्या है, 3 है, 3 × 2 = 5 और 1 = 6, एक आधार पर 6 आया तो दूसरे आधार पर भी 6 आएगा, कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 6 × 2 = 12, आपका जवाब हो जाएगा 12, है ना। ये बहुत आसानी से सीख लेना है, बहुत आसानी से जान लेना है, कहीं कोई डाउट होने वाला नहीं है। और देखेंगे बहुत सारा प्रश्न आते रहता है, जरा देखिएगा कि कुछ ऐसे आधार बनाए गए हैं जो पूरे में नहीं है, जैसे ये जो है पूरे शुरू से लेकर के अंत तक का, लेकिन ये जो है कुछ दूर तक गया, एक लाइन को छोड़ दिया, इतना दूर छोड़ दिया, फिर इसको इधर से लिया इतना दूर, तो आपको जहां तक भी है एक तरफ से काउंट करना है। जैसे यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब देखिए चूंकि पूरा में आधार था, ये पूरा में नहीं है, तो जितना इसमें जो फल आएगा उतना इसमें नहीं आएगा, उतना इसमें भी नहीं आएगा, क्योंकि कम बेसी खंड है। अब इसको देखिएगा 5 + 9 = 12 + 3 = 15, इसमें जो फल कितना है 15, इसमें भी नंबरिंग कीजिए 1, 2, 3 और 4, 4 ही तक नंबरिंग होगा, इसमें 4 ही खंड बन पाया आधार पर, है ना, 4 + 7 + 2 = 10, तो इस लाइन पर आपका जो फल कितना रहा 10 आ रहा। और इसमें देखिएगा आप काउंटिंग कीजिए 1, 2 और 3, तो ऐसे 3 × 2 = 5 और 1 = 6, यहाँ पर आपको 6 आया, तीनों जोड़ना पड़ेगा, आप ध्यान से समझिएगा, 15 + 10 = 25 और 6 = 31, है ना, आपको 15 + 10 + 6, है ना, 15, 10, 25 और 6 मिला करके 31 होता है, आपको जो है इसमें 15 + जो है आपको 10 + 6 मिला करके 31, जवाब 31 आंसर आपका आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ध्यान दीजिए नेक्स्ट, आपको ये भी प्रश्न उसी तरह का है, इसको आप ध्यान से समझिए, देखिए प्रश्न को देखिए, है ना, आपको यहाँ पर जो आधार है कुछ आधार बड़ा है और कुछ आधार छोटा है, हर एक आधार पर नंबरिंग करना है, लेकिन नंबरिंग एक से करना है, एक से करिएगा 1, 2, 3, 4 और 5 खंड बन गया इस आधार में, है ना, पांचों। अब फिर इसमें भी कीजिएगा 1, 2 और 3, इसमें भी कर लीजिए 1, 2 और 3, अब आपको जोड़ दीजिए 5 + 9 = 12 + 3 = 15, इसमें 15 हो जाएगा, 4 × 3 = 5 और 1 = 6, और इसमें भी 3 × 5 = 6, अब आपको जो है 6 × 6 = 12 और 15 जोड़ करके 27, इसमें जो है 27 ट्रायंगल है, 27 ट्रायंगल आपको है, तो गिनने में आपको कोई समस्या नहीं होगी, बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको सारे नंबरिंग को जोड़ देना है, नंबरिंग हर एक आधार पर एक से आरंभ होगा, कंटिन्यू नंबरिंग होगा, और ये नंबरिंग करके उसको जोड़ दीजिएगा, फिर जितना जुट गया वही आपका जवाब है, बहुत सिंपल तरीका से बन जाता है। और ध्यान से समझिए कि अब थोड़ा सा एक हम जो है वर्ग ले रहे हैं, और वर्ग में हम लोग डायगोनल्स यानी विकर्ण हम लोग डाल देते हैं, तो ऐसे दशा में जो है आपको त्रिभुज का निर्माण हो जाता है, तो यहाँ पर हम लोग त्रिभुज कैसे गिनेंगे इसको समझना, इसमें भी नंबरिंग डाल है ना, इसमें भी आपको जो है वह नंबरिंग डालना है, ध्यान से समझिएगा, कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं इसमें, है ना, कहीं से नंबरिंग शुरू कीजिएगा, और एंटी क्लॉक वाइज या क्लॉक वाइज में नंबरिंग जैसे मन है वैसे डाल दीजिए, लेकिन लगातार नंबरिंग करना 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, है ना। अब मान लीजिए हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं 1, तो इस खंड में गए तो 2, इस खंड में गए तो 3, इस खंड में आ गए 4, ये आप घूमते चले गए,
ये आपका मॉडलिंग हो गया। कितने खंड बने हुए? चार खंड बने हुए। सबसे बड़ा खंड आपका कितना है? चार है। तो चार को आप जो है गुना कर देंगे दो से, दुगना कर देना, यानी आपको इसमें करना कुछ नहीं, सबसे बड़े खंड का दुगना, चार दुना आठ। इसमें रूल समझ लीजिए, इसमें रूल क्या है, सबसे बड़े खंड का दुगना, सबसे बड़े क्रमांक का दुगना। नंबर का दुगना, सबसे बड़ा नंबर जो आएगा उसको दो से गुना कर देंगे, उतना ही त्रिभुज इसमें है। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं आपको पता चल गया। हम लोग गिनते तो थोड़ा ज्यादा मेहनत लगता, ज्यादा परेशानी होता, लेकिन नंबरिंग करके हम यदि हम निकाले हैं तो बहुत ही आसानी से ये प्रश्न आपका हल हो जा रहा है। एक दो तीन चार तक नंबर गया, लास्ट नंबर जो है आपको क्या है, चार। यानी इसको आपसे समझ सकते हैं कौन नंबर, लास्ट नंबर। लास्ट नंबर में आपको दो से गुना कर देना है। तो ये वर्ग के अंतर्गत यदि विकर्ण खींचा जाएगा, इस तरह से खंड बनाए जाएंगे भुजाओं को करके, तो आपको उसमें खंडों में नंबरिंग कर देना है, कहीं से भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ा नंबर आएगा, जो लास्ट नंबर आएगा उसी का दुगना आपको जो है जवाब होगा, उतना ही त्रिभुज इसमें इंक्लूडेड होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझने में आपको समस्या नहीं आनी चाहिए, पूरी तरीके से आपको सीखा हुआ होना चाहिए। आपको करना कुछ नहीं, बेसिकली समझ जाना है इसमें, और इसमें समझने के लिए कोई खास चीज है नहीं। आप देखिएगा ये दो तीन चार, मैंने क्या किया, नंबरिंग किया, मैंने नंबरिंग किया। और नंबरिंग करने के बाद में जो सबसे लास्ट नंबर कौन आया, चार आया, उसी का दुगना कर देना है। लास्ट का नंबर चार है, उसका दुगना करेंगे। इसमें आठ त्रिभुज है, देखिएगा ऑप्शन डी में आपको आठ त्रिभुज है, जवाब आपका आठ हो जाएगा, है ना। ये नंबरिंग करके निकल रहा, ध्यान देंगे कि इस तरह का मामला है, मामला वही चीज है, कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल वही प्रश्न है। यहाँ पर भी कहीं से नंबरिंग कीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, आप छह नंबर तक किए हुए हैं, है ना। अब आप ध्यान से समझिएगा कि छह नंबर तक है तो आपको जो है आपको नंबरिंग किया हुआ है, और ये सबसे लास्ट नंबर आपको छः आया है, इसलिए छः का दुगना कर देंगे, तो छः दुगना कितना हो जाएगा, बारह। ये ट्वेल्व आपका जो है, बारह आपका कंप्लीट हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा समझदारी हो गई है। हम मान रहे हैं इस चीज़ को कि आप लोग को कोई समस्या नहीं रहा होगा, बिल्कुल ही आपको आप बन गया होगा। अभी आप ध्यान से समझिएगा, इसमें त्रिभुज गिनना है, ये भी उसी तरह से हो जाएगा। नंबरिंग कीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट, लास्ट नंबर कौन सा है, आठ है, और गुना दो से करना है, आठ गुना के सोलह, सिक्सटीन होगा, जवाब आपका सिक्सटीन ऑप्शन बी में है। तो कुछ नहीं है, आप सीख गए, और ऐसा बहुत सारा प्रश्न स्वयं बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई समस्या होने वाली नहीं है। आप जरा समझिएगा इसमें कि इस तरह का मामला आ गया। अभी बताइए, आपने कहा कि नंबरिंग कर लीजिएगा, और एक वर्ग है, एक वर्ग और है, तो भैया एक वर्ग हुआ, एक वर्ग और हुआ, तो दुगना कर देना। जिस तरह से त्रिभुज में एक आधार होता था उतना ही दूसरा आधार होता था, तो यहाँ एक वर्ग है, एक वर्ग और अंदर में है, ये दो वर्ग बन रहा है, जैसे एक वर्ग बड़ा वाला, फिर वही चीज है एक वाला आ रहा। तो एक में नंबरिंग कीजिएगा, यहाँ देखिएगा एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ, आठ नंबर आए, तो आठ का दुगना सोलह। फिर इसमें भी नंबरिंग कीजिएगा तो आठ ही आएगा, एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ, आठ ही आएगा, क्योंकि आपको इस तरह से बना हुआ है ना। जब ये वाला में आठ नंबर आया ऊपर वाला वर्ग में, तो अंदर वाला वर्ग में भी आपको आठ ही आएगा। तो ऐसे दशा में इसको हम लोग लास्ट नंबर का दुगना, तो आठ दुनी सोलह, इसमें लास्ट नंबर का दुगना आठ दुनी सोलह, सोलह सोलह बत्तीस। या तो आप इस तरह से समझ सकते हैं, एक ही में नंबर कीजिए, एक बार नंबर कीजिए, दो बार नंबरिंग करने में समय ज़्यादा लग जाएगा, एक ही बार नंबरिंग कीजिए, आठ आया, आठ का दुगना सोलह, फिर सोलह का दुगना सोलह, तो एक इस वर्ग के लिए आया, फिर अंदर वाले वर्ग के लिए भी सोलह आएगा, बाहर वाले वर्ग के लिए सोलह और अंदर वाले वर्ग के लिए सोलह, तो दो से गुना करेंगे, जवाब आपका कितना बन जाएगा, बत्तीस हो जाएगा, जो कि जवाब किस में है, सी में। समझिए इसको, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से समझिए। नंबरिंग तो करना ही है आपको, नंबरिंग करके लास्ट नंबर का दुगना करना है,
आपको कहीं से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 है, तो लास्ट नंबर 8 आया, 8 का दुगना 16 हो गया, तो 1 में 16 हुआ, बड़े वर्ग के लिए 16 त्रिभुज हुआ, और अंदर में भी एक वर्ग और है उसके लिए भी 16 होगा, यानी दोगुना हो जाएगा। अब आपको जवाब हो जाएगा कितना, 32। ये ऑप्शन सी में मिल रहा है। आप देखिए अगला प्रश्न पर विचार करते हैं, अभी देखिएगा इस तरह का प्रश्न है, अब बताइए कि यहाँ पर भी तो है, तब यहाँ गिनने में बहुत जटिलता आ जाएगा, अब त्रिभुज गिन के हम लोग नहीं लिख सकते हैं इस तरह के त्रिभुज को, गिनने में बहुत दिक्कत है। आप नंबरिंग कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, लास्ट नंबर आपका 8 है, तो 8 का दुगना 16, यानी एक वर्ग के लिए आपको आया 16, ये दूसरे वर्ग के लिए भी 16 आएगा, और ये तीसरे वर्ग के लिए भी 16 आएगा, इसमें तीन बड़ा बड़ा वर्ग इस तरह से है, तो आपको ये ध्यान दीजिएगा इस वर्ग के लिए 16, इस अंदर वाले वर्ग के लिए 16, इस अंदर वाले वर्ग के लिए 16, तीन बार 16 आएगा, तो 16 को 3 से गुना करेंगे, 48 त्रिभुज इसमें है, 16 × 48, ये बहुत आसानी से आपने काउंट कर लिया कि इसमें 48 है। और ध्यान देंगे यहाँ से जो है नेक्स्ट जो प्रश्न है इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं, है ना, समझदारी से काम लेते रहिएगा, हमेशा बुद्धि हमेशा बढ़ा के रखिएगा, तब आपको सफलता जल्दी मिलेगी, और बुद्धि नहीं रखिएगा तो सफलता पाने में बहुत दिक्कत है। तो ये सब फैक्ट्स को बढ़िया से आप दिमाग में संजोग के रखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप समझिएगा कि इसमें 1, 2, 3 और 4 लास्ट नंबर का दुगना, लास्ट नंबर का दुगना 4 का दुगना 8, तो बड़े वाले वर्ग के लिए 8 हो गया, तो अंदर वाले के लिए भी 8 हो जाएगा, यानी फिर 8 का दुगना, 8 × 16, इसमें आपको 16 त्रिभुज बन गया, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है समझने में, है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। नंबरिंग करना है, सबसे लास्ट नंबर का दुगना कर देना है, वो 8 हो जाएगा, और फिर अंदर वाले का जो है आपको उतना ही होगा, जब बाहर वाले वर्ग के लिए 8 त्रिभुज हुआ तो अंदर वाले वर्ग के लिए भी 8 ही हो जाएगा, 8 और 8 मिला करके 16 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपको देखिएगा, नेक्स्ट इसी तरह का है, यहाँ भी नंबरिंग कीजिए 1, 2, 3, 4, लास्ट नंबर 4 आया, 4 का दुगना 8, तो बड़े वाले के लिए 8 हो गया, ये इसके लिए भी 8, इसके लिए भी 8, ये तीनों के लिए 8 आएगा, 8 × 24 त्रिभुज हो जाएगा, है ना, तो ये चीज अध्ययन आपको होना चाहिए, बहुत आसानी से आपको निकला। तो सिंपली आप समझ रहे हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से आपको ये बन जा रहा है, आपको सारा प्रश्न हल हो जाएगा, है ना। आप देखिए इसमें आइए, इसमें क्या प्रश्न है इसको सीखना है। अभी देखिएगा कि यहाँ पर ही जो है दो वर्ग है जो कि एक साथ सटा करके रखा गया, एक वर्ग यहाँ पर है और एक वर्ग यहाँ पर है, आप पहले वाले वर्ग में नंबरिंग डालिए 1, 2, 3 और 4, तो इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, 8, तो पहला वाला में 8 त्रिभुज हो गया, इसमें भी 8 त्रिभुज हो गया, है ना, नंबरिंग करने से पता चल गया 1, 2, 3, 4, 4 × 8, इस वर्ग में भी 8 और इस वर्ग में भी 8। इसके बाद जो आपको गिनना है वो तो थोड़ा समझिएगा, ये दोनों में कॉमन पॉइंट्स गिनना है, जैसे ये दोनों त्रिभुज सट रहा है तो एक कॉमन पॉइंट यहाँ आया, एक कॉमन पॉइंट यहाँ आया, और यहाँ पर देखिएगा ये इस पॉइंट पर एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, इस तरह से जरा सा देखिए, जरा सा इस तरह से एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है इस पॉइंट पर, है ना, ये यहाँ पर एक जो है ऐसा त्रिभुज है जो ये त्रिभुज जो है आपको न तो इस वर्ग में है पूर्णता, न तो इस वर्ग में पूर्णता, आधा इसमें है और आधा इसमें है, दोनों के हिस्सा, इस वर्ग के कुछ हिस्सा और इस वर्ग के कुछ हिस्सा मिलने से आपको इस त्रिभुज का निर्माण हुआ है। उसी तरह से यहाँ पर भी शीर्ष पर भी एक और त्रिभुज देखिएगा इस तरह से बन रहा है, और यह भी उसी तरीके से बना है कि कुछ हिस्सा पहले वाले वर्ग से और कुछ हिस्सा दूसरे वाले वर्ग से लिया गया है, और दोनों से आपको मिल के त्रिभुज का निर्माण हुआ है, तो आपको समझना है कि दोनों से मिल के दो त्रिभुज और बढ़ जाएंगे, यानी 8 इसमें और 8 इसमें तो 16 हुए, लेकिन कॉमन पॉइंट यहाँ पर आपको इस तरह से एक त्रिभुज बनेगा, इस तरह से एक त्रिभुज बनेगा, तो दो त्रिभुज आपको अधिक होगा,
देखिए आप इतना बात समझ लीजिए ना कि आपको कुछ बेसिक रूल है उसको जानना, कुछ जो है उस रूल के तहत के लिए आप जब जरूरत पड़े तो काउंटिंग भी जनरल रूप से हम लोग देख करके उसको काउंटिंग भी कर सकते हैं। सारा कुछ फॉर्मूला और ट्रिक से काम नहीं चल जाएगा, है ना। सारा जो काउंटिंग है केवल ट्रिक से हम लोग साधारण आकृतियों का सरल आकृतियों को गिन सकते हैं, लेकिन आप जरा समझिए थोड़ा जटिल कर देगा, थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग वहाँ लगाना पड़ेगा, बिना एक्स्ट्रा दिमाग लगाए हुए आप जो है इसको सही से हल नहीं कर सकते। तो आप इसको सीखिएगा कि आपको यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज इधर से बढ़ गया, एक त्रिभुज इधर से बढ़ गया, ये दोनों ऐसे त्रिभुज हैं ना तो पहले वाले वर्ग में है ना तो दूसरे वाले वर्ग में है, कुछ हिस्सा पहले वाले वर्ग से है और कुछ हिस्सा दूसरे वाले वर्ग से, तो ये दोनों से मिल करके त्रिभुज बना है इस तरीका से आपको आ रहा है, तो आप समझिएगा। तो कुल मिला के देखिएगा आठ इसमें बना, और एक ये यहाँ पर से ऐसे और एक यहाँ पर से इस तरह से, तो आठ और आठ सोलह, आठ प्लस आठ और प्लस दो, आठ सोलह और दो मिला के 18। ऑप्शन बी में आपको मिल रहा है, बहुत आसानी से आप देखिएगा बन गया आपको। तो थोड़ी सी समझदारी इसमें लगाना है, थोड़ा सा समझदार बन जाइएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप त्रिभुज आसानी से गिन सकते हैं। अब जरा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम विचार कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी तरह का है, इसको समझिए, है ना। नेक्स्ट प्रश्न में आपको तीन गो है, तो तीन गो को एक साथ क्या किया गया, मिला दिया गया। अब जरा समझिएगा यहाँ पर ही, इसमें नंबरिंग यदि करेंगे 1, 2, 3 और कितना 4, तो इसमें भी 8 त्रिभुज होगा, इस वर्ग में भी 8 त्रिभुज होगा और इस वर्ग में भी 8 त्रिभुज होगा, 8 × 24 हो जाएगा, 8, 8, 8, 24 तक तो हम लोग गिन लिया। आप देखिएगा यहाँ इन दोनों का कॉमन पॉइंट एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी देखिएगा एक त्रिभुज ऐसे बन गया, ये दोनों पे मिलने से त्रिभुज का निर्माण इधर से हो जाएगा और ये दोनों पे मिलने से इधर हो जाएगा, यानी कि 2 को बढ़ गया, है ना। फिर जरा देखिएगा ये दोनों में कॉमन है, यहाँ पर एक कॉमन है, यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर एक त्रिभुज इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पर एक त्रिभुज इस तरह से बन जाएगा, 2 और बढ़ जाएगा, है ना। थर्ड वाला वर्ग और फर्स्ट वाला वर्ग जो है ये दोनों में कोई कॉमन नहीं है, इसके फर्स्ट थर्ड से नहीं बनेगा, तो कुल मिला के आपको 24 और 26, 26 और 2, 28, इसमें 28 त्रिभुज हैं, काउंटिंग हो गया। यानी कॉमन पॉइंट्स के आधार पर हमको थोड़ा सा देखना है कि क्या कॉमन है, तो कुछ ना कुछ वहाँ पर बन रहा होगा, कॉमन पर बनता है कुछ ना कुछ त्रिभुज, उसकी संख्या को जोड़ के लिखना पड़ेगा। ये समझदारी आपको आना चाहिए, गिनने का तकनीक और टेक्निक सीखना है आपको, आसानी से जानना है। फिर से एक बार इसको सीखिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, आगे चल के कोई परेशानी नहीं हो। इसमें नंबरिंग डालिएगा, ये 1 है 2 है 3 है 4 है, इसमें भी तो 4 ही तक आएगा और इसमें भी 4 ही तक आएगा, आपको लास्ट नंबर का दुगना करेंगे तो 8 त्रिभुज हो गया, यानी इस वर्ग में आपको 8 त्रिभुज है, इस वर्ग में भी 8 ही है, इस वर्ग में भी 8 ही है, कुल मिला के हमारा 8, 8, 8 करके 24 त्रिभुज हो गया। अब इसके आगे गिनना, 24 तक तो हमने गिन लिया, इसके आगे गिनना। अब जरा समझिएगा आगे गिनने के लिए इन दोनों का कॉमन पॉइंट्स, मतलब जहां मिल रहा है ये वाला वर्ग और ये वाला वर्ग दोनों मिल रहा है, तो ये कॉमन पॉइंट्स यहां पर बना, ये कॉमन पॉइंट्स यहां पर बना। जरा सोचिए कि कॉमन पॉइंट्स पर त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा, जरूर बन रहा है। यहाँ पर से देखिएगा इस तरह से घूमिएगा, एक त्रिभुज ऐसे बन रहा है और इस कॉमन पर पॉइंट पर यहाँ पर भी त्रिभुज बन रहा है, यानी कि 2 त्रिभुज हमारा और बन गया। फिर ये तो फर्स्ट सेकेंड का कॉमन पॉइंट हुआ, और सेकेंड और थर्ड वाले वर्ग का कॉमन पॉइंट्स पर हम लोग विचार करेंगे। सेकेंड और थर्ड वाले कॉमन वर्ग के कॉमन पॉइंट्स पर आप देखिएगा, एक कॉमन पॉइंट यहाँ, एक कॉमन पॉइंट यहाँ, इस कॉमन पॉइंट्स पर भी एक त्रिभुज बन रहा और नीचे वाले जो कॉमन पॉइंट्स है यहाँ पर भी एक त्रिभुज इस तरह से बन रहा, तो 2 त्रिभुज और बनेंगे। अब थर्ड वाले वर्ग और फर्स्ट वाले वर्ग में देखेंगे तो कॉमन नहीं है, यानी कॉमन नहीं है पॉइंट, यानी कि त्रिभुज नहीं बनेंगे। कुल मिलाकर के आपको 24, 26, 26 और 28 त्रिभुज आपका निर्मित हुआ इस आकृति में, टोटल जो है 28 त्रिभुज। ऑप्शन ए में देखिए मिल रहा है जवाब आपका, ऑप्शन ए वाला हो गया। तो बिल्कुल ही आसानी से आप सीख गएंगे, हमको विश्वास है कि आपको कोई दिक्कत अब नहीं रहा होगा इसमें, है ना। आप जरा समझिएगा कि इस तरह के प्रश्न को थोड़ा सा संजीदगी के साथ सीखना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जरा इसमें आइए, अब इस तरह की आकृति इसको सीखना,
चलिए ये तो उसी तरह का, बिल्कुल उसी तरह का, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें नंबरिंग कीजिएगा 1, 2, 3 और 4। अब देखिएगा लास्ट नंबर 4 है, 4 का दुगना कितना होता है 8। अब बताइए कि इसमें भी हमारा 8 हो निकलेगा, इसमें भी 8 हो निकलेगा, इसमें भी 8 हो निकलेगा, 8, 8, 8, 8 किया 24, ये 24 हो जाएगा। फर्स्ट और सेकेंड वाला के कॉमन से देखिएगा कि इसके कॉमन से त्रिभुज बनेगा, एक त्रिभुज आपको इस तरह से ऐसे बनेगा और एक त्रिभुज इधर से बनेगा, यानी दो त्रिभुज बनेगा। एक त्रिभुज देखिए, हाथ देखिए हमारा इस तरह से बनेगा और एक त्रिभुज यहाँ से बनेगा, दो त्रिभुज और बढ़ेगा, ये +2 हो गया फर्स्ट और सेकेंड वाले के कॉमन से। फिर सेकेंड और थर्ड वाले के कॉमन से बनेगा, तो यहाँ पर देखिएगा सेकेंड और थर्ड से तो यहाँ पर फिर गिनाएगा, क्योंकि दोबारा ये सेकेंड और थर्ड का कॉमन है। यहाँ पर जो गिने थे उस समय फर्स्ट और सेकेंड का कॉमन में ही आया था, अब जो है यहाँ पर फिर एक बार गिनाएगा, ये सेकेंड आकृति का थर्ड आकृति, सेकेंड वाले वर्ग का थर्ड वाले वर्ग से हम काउंट कर रहे हैं। तो एक तो यहाँ पर फिर आएगा और एक यहाँ पर आएगा, तो एक यहाँ पर देखिएगा इधर से सिर से एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है यहाँ से, और फिर यहाँ से सिर से एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, तो दो और बढ़ गया। आप जरा समझिएगा कि अब तो फर्स्ट का सेकेंड के साथ, सेकेंड का थर्ड के साथ हो गया, थर्ड का फर्स्ट वाले के साथ भी कॉमन बन रहा है ना। यहाँ पर एक पॉइंट शीर्ष आ रहा है ना, और इस शीर्ष में भी आपको एक चीज छुपा हुआ है, ये थर्ड वाले का फर्स्ट वाले के साथ में भी एक त्रिभुज का निर्माण होगा, जरा समझिएगा। वो इस तरह से ये आधार पर त्रिभुज होगा, जरा इस तरह के त्रिभुज को आप देखिए, ये त्रिभुज जो है आपको तीनों फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट वर्ग सेकेंड वर्ग और थर्ड वर्ग, तीनों वर्ग से संयुक्त होकर करके एक त्रिभुज का निर्माण हुआ है। तो आपको एक और बढ़ेगा जा करके, एक और बढ़ जाएगा तो 24, 26, 26, 28 और 29, 24, 4, 28, 29, टोटल 29 हुआ। इसको गिन लीजिए किसी भी तरह से, इसमें 29 ही आएगा, उसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है। तो ये आपको अनुभव रखना है, तो सीखना है इसको ढंग से। आपको यहाँ पर जो है एक बड़ा वाला भी त्रिभुज एक निर्माण यहाँ पर हो रहा है, वह भी गिनाएगा, टोटल 29 हो जाएगा, है ना। तो ये वर्ग में आप जो है गिन रहे हैं कि त्रिभुज कैसे निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न पर विचार करते हैं, जरा इसको समझिएगा, है ना। अब यहाँ पर ये देखिएगा आपको जो है इसमें भी नंबरिंग कीजिए 1, 2, 3 और कितना 4, तो इसमें भी आपको 8 हो जाएगा, ध्यान से समझिए, और इसमें भी 8, इसमें भी 8 और इसमें भी 8, 8 सौ का 8 को 4 से गुना करेंगे 32 हो जाएगा, है ना, 8 सौ का 32। आप जरा समझिएगा कि फर्स्ट और सेकेंड के कॉमन से, फर्स्ट और सेकेंड के कॉमन से, जैसे ये दोनों है यहाँ वाले, तो यहाँ पर ये आपको त्रिभुज बनेगा, है ना, एक इधर से ऐसे बन जाएगा, ध्यान से समझिए, और फिर एक इधर से बन जाएगा, दो बन गया, है ना। तो आपको देखिएगा, देखते जाइएगा, दो बन गया इधर फर्स्ट और सेकेंड के कॉमन से, फिर सेकेंड और थर्ड के कॉमन से, फिर जो है दो बनेगा, फर्स्ट और सेकेंड के कॉमन से दो बना, फिर जो है सेकेंड और थर्ड के कॉमन से एक यहाँ बनेगा, एक त्रिभुज ऐसे बनेगा और एक त्रिभुज आपको इधर से बनेगा, है ना। तो एक इधर से आपको इधर बन जाएगा और एक इधर से इधर बन जाएगा, ये वाला त्रिभुज, यानी सेकेंड और थर्ड से आपको दो वो बना। फिर आपको जो है जरा समझिएगा, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ से भी बनेगा, थर्ड और फोर्थ से भी बनेगा, दो कॉमन है, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो आपको देखिएगा आपको ये दोनों से भी बनेगा त्रिभुज, आपको एक त्रिभुज देखिए इस तरह से ऐसे बन जाएगा और एक त्रिभुज इस तरह से बन जाएगा, तो दो आपको यहाँ पर और बन गया। उसी तरीका से आपको जो है आपको फोर्थ और फर्स्ट से भी फिर बनेगा, फोर्थ और फर्स्ट यहाँ और यहाँ पर से देखिएगा एक त्रिभुज ऐसे बन जाएगा, है ना, और एक त्रिभुज ऐसे बन जाएगा, तो इसके अधीन भी आपको दो बन जाएगा। तो आपको देखिएगा ये तो हो गया। अब देखिएगा आपने क्रमानुसार देखा, फर्स्ट का सेकेंड के साथ, सेकेंड का थर्ड के साथ, थर्ड का फर्स्ट के साथ, है ना। आपने जरा सोच के देखिए कि ठीक है, फर्स्ट का सेकेंड के साथ, सेकेंड का थर्ड के साथ, थर्ड का फोर्थ के साथ, फोर्थ का फिर
वन के साथ मिला के आपने त्रिभुजों को गिन लिया, क्या जो है पहला वाला थर्ड से नहीं मिल रहा? मिल रहा। तो आपको देखिएगा यार, सेकेंड वाला फोर्थ से नहीं मिल रहा? मिल रहा, यहाँ टच कर रहा है सेकेंड वाला का फोर वाले से और फर्स्ट वाला का थर्ड वाले से टच कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर टच करने से भी त्रिभुज का निर्माण होगा। जरा देखिएगा, एक त्रिभुज तो आपको इस कोना में देखिए बनेगा, इस कोना का एक त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज इस कोना पर बना, इस कॉर्नर पर। आप देखिएगा इस कॉर्नर पर भी एक त्रिभुज बनेगा जो कि इस तरह से आपको बनेगा। तो यहाँ पर एक त्रिभुज दो हो गया। फिर आपको इस कॉर्नर पर भी बनेगा, आप देखिएगा इधर से जाएगा, इधर से आएगा और इधर से आएगा, तो तीसरा त्रिभुज हो गया। इस कॉर्नर पर भी बनेगा, आपको जो है यहाँ से आएगा, है ना, और यहाँ से आएगा और यहाँ से आएगा, सारे कॉर्नर चारों कॉर्नर पर एकक बनेगा, है ना। इस कॉर्नर पर ऐसे, है ना, इस कॉर्नर पर ऐसे और इस कॉर्नर पर ऐसे और इस कॉर्नर पर इधर से चार त्रिभुज और बनेगा, है ना। कुल मिला करके 32 और 48 और 44 44 ट्रायंगल्स आपको इसमें हैं, है ना। हमको बेहद खुशी हो रही है कि आप सबों को जो है ना, इस तरह के जटिल आकृति में भी आपको त्रिभुज गिनने के लिए हमने अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया। हमको पूरा विश्वास है कि आप अच्छा तरीका से समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आ रहा होगा। इसमें और कुछ पढ़ना है लेकिन आज थोड़ा टाइम जो है समाप्त होने वाला है आपका, है ना। तो आज हम यहीं तक आपको छोड़ेंगे, लेकिन आप जो है आप इतना जानिए, विश्वास रख के अध्ययन कीजिए, है ना, कहीं कोई दिक्कत होने वाला आपको नहीं है और नौकरी आपकी पक्की हो जाएगी। कोई शंका की बात नहीं, हमारे यहाँ पढ़िएगा, मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, एडवांस मैथ है, इंग्लिश है, तो सारे जनरल साइंस है, सारे फैकल्टी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, कंप्लीट तैयारी मिलती है, प्रतिदिन होमवर्क का जो है आपको देखा जाता है, आपको पूरी तरीके से छात्रों को जो है उस पर मेहनत किया जाता है। तो पूरा का पूरा आपको लाभ उठाइए। अभी कोरोना काल है, जहाँ तक हमारे यहाँ कोरोना काल में हम आपसे बहुत काफ़ी दूर हो रहे हैं और ये संकट ही ऐसी है, सारी दुनिया विचलित हो चुकी है, तो ऐसे अवस्था में ऑनलाइन एक माध्यम है जिसके आधार पर आपसे हम जुड़ रहे हैं। धीरे धीरे और गहराई होगी और आपसे थोड़ा घनिष्ठता के साथ जुड़ेंगे, है ना। थोड़ा अभी हम कुछ दिनों तक वीडियो अपलोड करेंगे, उसके बाद में फिर आपको लाइव के रूप में प्रस्तुत होंगे। आज यहीं तक छोड़ते हैं आपको। आपको यदि अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से जो है आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कल तक के लिए, कल फिर हम आपसे मिलेंगे, है ना। तब तक के लिए आपसे जय हिंद, जय भारत।